हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ विक्रमजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं अपनी गाड़ी का जो फेंडर है वो ठीक करवाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वीक एक इनोवा वाले ने मेरी गाड़ी का जो फेंडर है वो ठोक दिया था। तो गाड़ी के फेंडर पर एक डेंट पड़ गया है और थोड़ा सा कलर भी उतर गया है, तो वो मैं ठीक करवाने वाला हूँ। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि वो डेंट किस तरह का है, उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेंट पड़ गया है और ये नीचे यहाँ से कलर उतर गया है, तो ये नीचे से यहाँ से भी बम्पर से भी पेंट उतरा हुआ है और यहाँ से भी पेंट उतर गया है, और ये डेंट है, यहाँ पर डेंट है और यहाँ से थोड़ा सा बाहर आ गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे आपको फील नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा, बट अगर आप टच करके देखोगे तो यहाँ पर आपको डेंट फील होगा, और एक यहाँ पर आप देख पाओगे कि आप समझ पाओगे कि यहाँ पर इस डेंट की वजह से यहाँ से फेंडर बाहर निकल गया है और यहाँ से पेंट उतर गया है। सो भाई, यहाँ पर अभी लाइट खुलेगी और लाइट खुलने के बाद फेंडर को अंदर से चोट मार के, अंदर से किसी हथौड़े के थ्रू पुश करके ये जो डेंट है ये बाहर निकाला जाएगा। तो इसको पहले ये सोच रहे थे कि फेंडर को खोला जाए, फेंडर को बाहर निकाला जाए, बट फेंडर को बाहर निकाले बिना ही अभी ये अंदरली साइड से चोट मार के तो फेंडर को बाहर निकाला जाएगा। तो गैस, अभी यहाँ पर डेंट निकल गया है, तो अभी पुट्टी से इसको फिलअप करेंगे ताकि एक बार ये फेंडर का लेवल बन सके। जो लेवल इसका पहले था उसी लेवल पर करने की कोशिश की जा रही है। तो जो मेजर डेंट है वो निकल गया है, बाकी पुट्टी के थ्रू फिलिंग करके इसका लेवल भी हो जाएगा, तो उसके बाद पेंट की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। डेंट निकल गया है, तो अभी पुट्टी फिलिंग का काम हो रहा है। एक्चुअली ये पुट्टी जो है ये होम वाल पुट्टी नहीं है, ये पुट्टी कुछ अलग है जो कि कारों के लिए स्पेशल आती है, तो ये वो पुट्टी यूज़ करें यहाँ पे। जो भी हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस हैं वो भी पुट्टी के थ्रू हाइड हो जाएंगे, और थोड़ा सा निशान बम्पर पर भी थे तो बम्पर को भी पुट्टी के थ्रू हल्का हल्का फाइन ट्यून दी जा रही है, ताकि जो भी निशान हैं, जो भी स्क्रैचेस हैं वो बम्पर से भी हट जाएं। पुट्टी से फिलिंग हो गई है, अभी सैंड पेपर को यूज़ करके उसको लेवल किया जा रहा है। जो यहाँ पर सैंड पेपर यूज़ हुआ है आई थिंक वो 0 नंबर का यूज़ हुआ है, और 0 नंबर के तो अगर आप कोई बड़ा नंबर यूज़ करोगे तो उससे जो एक्चुअल पेंट है वो भी उतर जाएगा। और ये अभी सेकंड लेवल ऑफ पुट्टी स्टार्ट हो गया है,
इस पुट्टी को सूखने में कम से कम 20 या 25 मिनट लगते हैं, जो कि जो पहले पुट्टी की है उसको सूखने में 5 या 10 मिनट में पुट्टी वो सूख गई थी। तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है पुट्टी को फिल करने में, पुट्टी के थ्रू जो निशान्स हैं, जो स्क्रैचेस हैं, उसको रिमूव करने में, और इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। और जब ये सूख जाएगी तो उसके बाद हमारा फाइनली जो पेंट का काम है वो शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर पहले आई थिंक प्राइमर का स्प्रे होगा, प्राइमर पेंट होगा, और प्राइमर पेंट होने के बाद उसके बाद फिर कलर का पेंट होगा, कलर स्प्रे होगा, उसके बाद फिर आई थिंक क्लियर कोट होगा उसके ऊपर, उस फेंडर को, उस पेंट को शाइन देने के लिए। तो अभी यहाँ पर प्राइमर पेंट स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली प्राइमर पेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका एक्चुअल पेंट है वो प्राइमर के ऊपर टिक सके। अगर आप प्राइमर पेंट नहीं करोगे तो आपका जो एक्चुअल पेंट है वो उसके ऊपर स्टे नहीं करेगा, उसके ऊपर टिकेगा नहीं, तो पपड़ी बनकर जल्दी ही उतर जाएगा। तो प्राइमर करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर ये भाई प्राइमर कर रहा है, तो प्राइमर का कोट होने के बाद इसके ऊपर एक्चुअल जो पेंट है वो होगा। तो ये अभी एक्चुअल पेंट हो रहा है। मेरी गाड़ी का कलर है मेटैलिक ग्रे, और मेटैलिक ग्रे कलर ही इसके फेंडर पर होगा। पहले प्राइमर पेंट होगा, अभी प्राइमर पेंट हो चुका है, अभी ये एक्चुअल जो पेंट है मेटैलिक ग्रे वो हो रहा है। और जब ये पूरा फेंडर हो जाएगा मेटैलिक ग्रे का, उसके बाद इसके ऊपर क्लियर कोट का स्प्रे किया जाएगा ताकि गाड़ी में शाइन आ सके। और ये फाइनल कोट है क्लियर कोट का। तो इसके बाद गाड़ी मेरी फाइनल हो जाएगी और गाड़ी में अच्छी शाइनिंग भी आ जाएगी। सो गाइस, मेरी गाड़ी में से डेंट और पेंट का काम हो गया है। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो शूट नहीं कर पाया मैं बाकी की वीडियोस, बाकी का सेशन। सो फिलहाल गाड़ी में काम हो गया है। अभी आपको मैं पिक्स दिखाने वाला हूँ जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि गाड़ी की क्या कंडीशन थी डेंट और पेंट निकलने से पहले, और गाड़ी की क्या कंडीशन है डेंट और पेंट निकलने के बाद। अप्रोक्सीमेटली जो इसकी कॉस्ट आई है वो 800 रुपये के आसपास आई है, और यही काम अगर मैं कंपनी में करवाता तो वहाँ पर मेरे से 4500 रुपये के आसपास मांगे गए थे और 2 दिन का टाइम मांगा गया था, और यहाँ पर मेरी गाड़ी 800 रुपये में बिल्कुल ओके हो गई है। और मुझे डाउट था कि मेरी गाड़ी का पेंट मैच होगा या नहीं होगा, पेंट का कलर बिल्कुल मैच हो गया है। तो आई एम सेटिस्फाई विद द वर्क डन बाय दैट गाय जिसने मेरी गाड़ी पे काम किया। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कोई व्यू है, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।